All right. So be attentive. I am reading out the MCQs and you need to give me the answer based on that MCQ. ठीक है? National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, it was set up in. चार ऑप्शंस हैं, राइट ऑप्शन 1982. नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट हुज एरिया ऑफ ऑपरेशन इज द वन वेयर बैंकिंग फैसिलिटीज एंड कोऑपरेटिव्स आर एब्सेंट एंड विच ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. ही इज आस्किंग, एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है जो वहां पर ऑपरेट करता है जहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज एब्सेंट है, जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एब्सेंट है, और ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेट करता है. आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से ये कौन सा है. ए रीजनल रूरल बैंक, बी कमर्शियल बैंक, सी सेल्फ हेल्प ग्रुप, डी नबार्ड. इट्स रीजनल रूरल बैंक्स. दीज वर एस्टेब्लिश्ड बेसिकली टू केटर टू द नीड्स ऑफ दोज रूरल एरिया वेयर बैंकिंग फैसिलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर नॉट देयर. गॉट इट. फोर्थ, क्रेडिट नीड्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिंग फेंसेस एंड डिगिंग वेल्स. फार्मर को क्रेडिट नीड्स हम तीन में क्लासिफाई करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. अब अगर एक फार्मर को फेंसिंग बिल्ड करनी है अपने लैंड के आसपास और वेल डिग करना है, ये कौन सी क्रेडिट नीड से फुलफिल होगा. ए शॉर्ट टर्म, बी मीडियम टर्म, सी लॉन्ग टर्म, डी नन. इट्स टू बी फुलफिल्ड बाय मीडियम टर्म. शॉर्ट टर्म सीड्स इनपुट्स, लॉन्ग टर्म ट्रैक्टर एसेट डेवलपमेंट ऑफ लैंड. ठीक है. देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज अश्योर्ड द फार्मर्स ऑफ सम मिनिमम इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ देयर क्रॉप. गवर्नमेंट ने अश्योर किया फार्मर को कि भी तेरी मिनिमम इनकम रहेगी बाय सेलिंग योर क्रॉप्स, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, बी रेगुलेटेड मार्केट्स, सी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, डी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम. मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट बाय द गवर्नमेंट जिससे उसकी एक मिनिमम इनकम एश्योर हो जाएगी. नेक्स्ट, द सेक्टर प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस टू 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इज ए लाइव स्टॉक, बी एग्रो प्रोसेसिंग, सी अपनी मंडी, डी फिशरीज. बेटे अगर आपको राइट आंसर नहीं पता होता ना तो क्या करना होता है, हमने शॉर्टलिस्ट करने होते हैं, ऑप्शंस उड़ाने होते हैं. फिशरी कैन नॉट बी सो, 70 मिलियन पीपल इंडिया के बिल्कुल भी फिशरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. अपनी मंडी कोई सेक्टर ही नहीं है. उड़ गया. राइट आंसर दो रह गए हमारे पास, लाइव स्टॉक एंड एग्रो प्रोसेसिंग. अब इसमें से आपको देखना पड़ेगा राइट आंसर इज, क्योंकि ये डेटा बेस्ड है बेटे, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में आपको पढ़ा होना चाहिए तो ही आप इसको आंसर कर सकते. रूल आउट तो कर दिए ऑप्शंस. ठीक है. अब ए और बी बचा, इसमें से आपने अगर पढ़ा है तो ही आंसर आए. ठीक है. लाइव स्टॉक. नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रादर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप इज कॉल्ड ए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ द अबव. इट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. क्लियर. क्योंकि उसने कहा
एक क्रॉप की बजाय ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करना, यानी डाइवर्सिफाई किया, किसको किया, क्रॉप प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई किया, गॉट इट। नेक्स्ट, द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम वॉज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द ईयर 1892, 1982, 1966, 1995. Operation Flood, it's related to the production of milk. So it was initiated in which year? 1966. Okay. Next, the Golden Revolution was a period of very high productivity in food grain production, horticulture, organic, pisciculture, horticulture. जो A option है food grain production, उसको क्या कहते हैं, green revolution. ठीक है, तो organic farming की revolution कोई नहीं हुई है, तो वो भी rule out हो गया. पीसीकल्चर यानी फिश की कल्टीवेशन, वो भी कोई इतनी ज्यादा इंडिया में नहीं बढ़ी जिसको हम रेवोल्यूशन का नाम दे सकें. तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर रिलेट्स टू व्हाट? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, ठीक है, एग्जॉटिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स. ऑल राइट. Rural banking today consists of A, commercial banks, B, regional rural banks, C, land development bank, D, all of the above. All of the above. Under which revolution India has emerged as the second largest producer of fruits and vegetables in the world? गोल्डन रेवोल्यूशन, रिपीट क्वेश्चन, बट किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है. ठीक है, विच एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इज टेकन बाय द वुमेन इन रूरल हाउसहोल्ड्स? ए पोल्ट्री, बी बी कीपिंग, सी फिशरीज, डी नन ऑफ द अबव. Okay, here the right answer is bee keeping. आप देखो NCERT में क्या लिखा हुआ है, bee keeping का है mentioned. ठीक है, bee keeping. Which entrepreneurial activity is taken by the woman? Which of the following is not a non-institutional source of credit? इनमें से कौन सा non-institutional नहीं है? इसका मतलब हमने institutional identify करना है. A money lender, B relatives, C traders and commission agents, D land development banks. That is institutional source. ठीक है, next. Why is minimum support price fixed by the government? A for government's own benefit. गवर्नमेंट एमएसपी क्यों फिक्स करती है? अपने बेनिफिट के लिए, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, नन ऑफ द अबव. बी फार्मर, सिंपल सा क्वेश्चन है. नेम द स्टेट विच इज हेल्ड एज अ सक्सेस स्टोरी in the efficient implementation of milk cooperatives. Gujarat. Which cooperative we relate to it? Amul. Okay, which of the following is the apex bank of rural finance in India? NABARD. Dash markets were organized to protect the farmers from malpractices in mandis. A regulated, B
periodic, C, daily, D, weekly. Daily, very good. Shashank, pay attention. गवर्नमेंट ने बेटे कौन सी मार्केट्स एस्टेब्लिश की है ताकि जो फार्मर के साथ मेल प्रैक्टिसेस होती थी उनको अवॉइड कर सके. रेगुलेटेड मार्केट्स जो कि मार्केट कमेटी सुपरवाइज करती है. मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल सिस्टम में पहला पॉइंट है रेगुलेटेड मार्केट्स. चले आगे मोहित बाद में सो लेना बेटे. नेक्स्ट इंडिया एडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच टुवर्ड्स रूरल क्रेडिट. इंडिया ने सोशल बैंकिंग अप्रोच और मल्टी एजेंसी अप्रोच टुवर्ड्स रूरल क्रेडिट कब अडॉप्ट की. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी अप्रोच है बेटे. मल्टी एजेंसी अप्रोच का मतलब सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के ऊपर रिलाय नहीं किया, रीजनल रूरल बैंक्स खोले, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स खोले, ठीक है. ये होगी मल्टी एजेंसी अप्रोच, ठीक है. तो ये कौन से ईयर में गवर्नमेंट ने मल्टी एजेंसी अप्रोच स्टार्ट की. 1965, 1969, 1970, 1979. 1965 is the right answer. A, 1965 multi-agency approach. Multi-agency and social banking approach. ठीक है. Next, rural banking today consists of commercial banks, RRBs, land development bank, all of the above. Rural development implies A, economic and legal upliftment of rural areas, B, economic and technical upliftment of rural areas, C, economic and social upliftment of rural areas, economic and political upliftment of rural areas, C, economic and social upliftment of rural areas. The scheme of microfinance is extended through माइक्रो मीन्स कम अमाउंट का क्रेडिट लोगों को देना ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके. माइक्रो क्रेडिट स्कीम को गवर्नमेंट ने कैसे एक्सटेंड किया. थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, नबार्ड, आरआरबीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. क्लियर. Why was it considered to replace the private money lenders by institutional sources of credit? Government ne aisa kyun socha ke jo private money lenders hain unko replace karke institutional sources of credit aane chahiye. A, supply of credit was irregular. B, money lenders took advantage of ignorance of the farmers. The rate of interest was very high. All of the above. All of the above. ये सारे कारण बने इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट को प्रमोट करने के. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग नबार्ड. ए, इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आरबीआई विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट. ध्यान से सुनते जाइए, बुक में ना ढूंढिए. बी, it helps the flow of credit through cooperative societies, RRBs. True hai. It maintains research and development funds to promote research in agriculture. Ye bhi wo karta hai. Research and development ko promote karta hai. D, it helps the farmers directly. Ye farmers ko directly help नहीं करता. ये एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, ठीक है. नबार्ड इज अ रीफाइनेंसिंग एजेंसी जो कि जो इंस्टीट्यूट्स फार्मर को फाइनेंस देते हैं उनको रीफाइनेंस करता है. फार्मर्स को ये डायरेक्टली हेल्प नहीं करता. नेक्स्ट,
which of the following is false regarding self help groups? A, they improve rural's poor access to formal credit system. अगर आप अपने आप को सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर लेते हो तो आपका जो एक्सेस है रूरल क्रेडिट की तरफ वो बढ़ जाता है, ये ट्रू है फिर? बी, दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1982. सी, दे आर स्मॉल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पुअर पर्संस. दे प्रोवाइड रूरल क्रेडिट by mobilizing their own resources. When were they first introduced? देखो जरा NCERT में, यहां इसमें भी चेक करो, कब इंट्रोड्यूस हुए थे, क्योंकि ये वाला इसमें ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी नहीं ना हो सकती. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में देखो, व्हेन वर दे फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड. माइक्रो क्रेडिट स्कीम के अंडर होगा, प्राइवेट ऑथर्स की बुक है तो वहां पे देख लो. नहीं है, कोई ईयर नहीं मेंशन किया. मल्टी एजेंसी अप्रोच में, वो तो डेटा है ना, तब इंट्रोड्यूस थोड़ा ना हुआ. तो आई थिंक बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 1982 से पहले इंट्रोड्यूस हो गए हुए. नेक्स्ट, अंडर विच सिस्टम बिलो पॉवर्टी लाइन कुड गेट एसेंशियल गुड्स एट लो सब्सिडाइज्ड रेट्स? बफर स्टॉक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव. लोगों को, गरीब लोगों को कम प्राइस पे कमोडिटी किस सिस्टम पे मिलती है? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इट रन्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स इन विच एसेंशियल कमोडिटीज are sold to BPL families at low prices. The public distribution system is the right answer. ठीक है? Under which revolution India emerged as the largest producer of fruits and vegetables? Golden Revolution. The period between 1991 and 2012 is called Green Revolution, Blue Revolution, Golden Revolution, White Revolution, Golden. तो Golden से related हमने देखो कितने questions कर लिए. Time period रह गया था, वो हो गया 1991 to 2012. कौन सा phase रहा? Golden Revolution. White Revolution is associated with A, horticulture, B, fishery, C, dairying, D, animal. So, नाम से पता चल रहा है white, milk से relate, dairying. ठीक है. Dash is the branch of agriculture which deals with the breeding, rearing and caring of farm animals. Livestock farming. Livestock farming. Okay. Who said that the real progress of India did not mean simply the growth and expansion of industrial urban areas? Dada Bhai Naroji, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, none of the above. Mahatma Gandhi. Usne yehi bola tha ki industrial areas ko develop karne mein hamari true development nahi hai. We should also focus on agriculture. Jo फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था ना, इसको ऐसे भी याद रखना बेटे, दैट वॉज बेस्ड ऑन गांधीयन मॉडल. फर्स्ट फाइव ईयर प्लान एम्ड एट अचीविंग सेल्फ सफिशियंसी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था
वो नेहरूयन मॉडल बेस्ड था, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया। तो इससे माइंड में पता चलता है ना, नेहरू किसके ऊपर फोकस करता था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और महात्मा गांधी एग्रीकल्चर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मल्टी एजेंसी इन बैंकिंग इन रूरल एरियाज, रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, नन ऑफ दीज। When were regional rural banks started in India? हाँ जी, year याद है किसी को? हाँ जी, 1975, noted down. RRBs, 1975. तो बेटे मैं करवा रही हूं ना, आप कहीं से भी क्वेश्चन तो आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में हम चैलेंज कर ही नहीं सकते, जनरल नॉलेज बेस्ड है, जनरल अवेयरनेस है, यू कांट चैलेंज। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स केटर टू द नीड्स ऑफ ए लॉन्ग टर्म क्रेडिट, बी शॉर्ट टर्म क्रेडिट, सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ओके, कुदम श्री इज अ वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी। कुदम श्री ये बुक में है आपकी एनसीईआरटी में, इट्स अ वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इन महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, केरला, के ऐसे याद कर लेना आप। ठीक है, कुदम श्री केरला। केरला में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मल रूरल क्रेडिट इन इंडिया। A, credit is tied with some collateral. ये है problem. बिना collateral के आपको loan नहीं मिलता. B, less strictness for recovery due to political reasons. Banks अपना पैसा loan जो उन्होंने farmers को दिया है वो recover नहीं कर पाते political reasons के करके। जो भी पार्टी है बेटे, फार्मर्स उनका वोट बैंक है, तो इलेक्शंस के आते वो अनाउंस कर देते हैं कि इनका डेट माफ कर दिया जाए, तो बैंक्स को नुकसान होता है, तो ये प्रॉब्लम है। सी, रिसोर्सेज आर इनएडिक्वेट टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स की नीड्स को मीट करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज कम रहते हैं। डी, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, कोलेटरल चाहिए, रिकवरी नहीं होती और रिसोर्सेस इनएडिक्वेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया। ए, फॉल्टी वेइंग, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, पुअर रोड फैसिलिटी, ऑल ऑफ दी अबव। Regulated markets benefit A, only farmers, B, both farmers and consumers, C, farmers, consumers and middlemen, D, government. C, farmers को भी benefit करता है, consumer को भी और middlemen को भी। Which of the following is the reason of setback of cooperatives in recent past? अभी रीसेंट पास्ट की बात करें तो कोऑपरेटिव्स को सेटबैक लगा है। रीजन, ए, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ फार्मर मेंबर्स, बी, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लिंक बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स, सी, इनएफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डी, ऑल ऑफ द अबव।
This is given in your NCRT. Okay, next. In which of the following states there is Uzvar Sandies, a farmer market established? Haryana, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu. Tamil Nadu. Uzvar Sandies. Likha hua hai. Which of the following is a non-farm activity in rural areas? Weaving, spinning, agro processing, all of the above to aa sakta hai, none of the above paper mein aane nahi hai. Ye strictly examiners ke liye instructions hai, kisi bhi question mein none of the above choice nahi hogi. क्वेश्चन ऐसा नहीं फ्रेम किया जाएगा ना. हाँ, सब पे तूने डी टिक करके आना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? ए इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, बी सेटिस्फाई फ्यूल एंड न्यूट्रिशनल नीड बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. बाकी दोनों सारे बेनिफिट्स हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान. बाकी सब कोस्टल एरियाज. राजस्थान डेजर्ट है, ठीक है. नहीं भी कहीं पड़ा तो ये कॉमन सेंस है. ओके, मैच दी कॉलम्स में आपको ग्रुप में भेज दूंगी. एसर्शन रीजनिंग, एसर्शन rural development in India is of key significance. Reason: nearly 2/3 of the population is dependent on agriculture. Aap isko aise read out karo, rural development in India is of key significance because nearly 2/3 of the population is dependent on agriculture. ठीक है, ए करेक्ट है, आर करेक्ट है, और आर ए को जस्टिफाई करता है. ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन. एजर्शन, इन 1982 इंडिया अडॉप्टेड सोशल बैंकिंग अप्रोच. क्या लिखा अभी, कौन सी ईयर में अडॉप्ट की थी? तो ये इनकरेक्ट हो गया बेटे. अगर पहला इनकरेक्ट हो गया ना तो आपका आंसर आ गया. प्रॉब्लम कब आती है? जब दोनों करेक्ट हैं, तब ए और बी में से चॉइस करनी पड़ती है ना. अगर ए इनकरेक्ट है या आर इनकरेक्ट है, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है. मनी लेंडर्स रीजन वर चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम पुअर पीपल and manipulate their accounts. ये करेक्ट है, ए फॉल्स, आर करेक्ट. नेक्स्ट assertion, लैंड डेवलपमेंट banks आर वन ऑफ द पार्ट ऑफ सोशल बैंकिंग अप्रोच टूवर्ड्स रूरल एरियाज. टूवर्ड्स ट्रू है, बिकॉज लैंड डेवलपमेंट banks प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स to purchase extra piece of land. False. They do not provide short term, they provide long term. So A true, R false. Assertion, in 1982 NABARD was set up because NABARD helped improvement in institutional credit to satisfy rural needs. Why was it set up? To satisfy credit needs.
Okay. Assertion. Agricultural marketing is a place where agricultural products are bought and sold. Agricultural marketing एक जगह है जहां पर agricultural goods बेचे और खरीदे जाते हैं. False. It's not a place. It's a system. Market नहीं बोला, marketing बोला. Market भी नहीं बोलते उसको. ठीक है, चलो, rest we will do tomorrow.